How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Chapter 4 Fractions Continue. Today's topic is exercise 4.4b. Today's day is, date is 11th of December 2020. And today's day is Friday. So, here our first word problem. First, we have to read this one. One number Amina bought 3 by 8. मीटर ऑफ़ अ रेड रिबन एंड वन हाफ मीटर ऑफ अ ब्लू रिबन. वॉट इज द टोटल लेंथ ऑफ रिबन दैट शी पॉट मतलब हमें क्या करना है थ्री बाई एट मीटर ऑफ रेड रिबन. रेड कलर का रिबन था वो कितना था थ्री बाई एट मीटर और जो ब्लू रिबन है वो कितना है वन हाफ मीटर वन बाई टू मीटर राइट तो हमें ये जानना है उसने टोटल कितने लेंथ रिबन लिया तो हम क्या करेंगे एडिशन सो लेट स्टार्ट थ्री बाई एट प्लस वन बाय टू हमें एडिशन करना है यहाँ पर जैसे कि डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो हमें सेम डिनोमिनेटर्स करना है ठीक है तो हमें क्या करना पड़ेगा ये टू है उसको हम फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एट हो जाएगा तो थ्री बाई एट एज इट इज प्लस वन अपन टू है तो डिनोमिनेटर में अगर फोर फोर uh, से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट हो जाएगा और न्यूमेरेटर uh, में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वन मल्टीप्लाई फोर इज़ फोर अभी डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट लाइक फ्रैक्शन में जैसा एडिशन कर रहे थे वैसे करना है सो थ्री प्लस फोर इज सेवन और डिनोमिनेटर सेम एट तो आंसर क्या आएगा हमारा Seven upon eight, okay? Let's solve this second example. Ali read one upon eight of a book on Monday, one-fourth of the book on Tuesday, and one-half of the book on Wednesday. What fraction of the book did he read during these three days? मीन्स अली ने क्या किया तीन दिन बुक्स रेड की ठीक है मंडे वन अपॉन एट फिर ट्यूसडे वन फोर्थ पार्ट फिर वन हाफ बुक वेनसडे तो हमें क्या फाइंड करना है कि इन तीन दिन में उसने कितनी बुक टोटल पढ़ी ठीक है सो व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू ऐड वन अपॉन एट प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन टू ओके सो लेट्स टू वन अपॉन एट प्लस वन अपॉन फोर प्लस वन अपॉन टू ओके अभी सबके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो हमें सेम डिनोमिनेटर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पर एट है ठीक है यहाँ पर फोर है तो फोर को हम ऐट में कन्वर्ट कर सकते हैं यस yes. तो फोर टू जाइज एट तो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर वन अपॉन टू है डिनोमिनेटर में टू है तो टू को भी हम 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं ठीक है तो टू मल्टीप्लाई फोर करेंगे तो एट हो जाएगा फिर सबके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हम इजीली एडिशन कर सकते हैं राइट right? सो so, अभी क्या करेंगे वन अपॉन एट प्लस वन अपॉन फोर डिनोमिनेटर में हम टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा तो वन मल्टीप्लाई टू इज़ टू एंड एट प्लस यहाँ पर टू है डिनोमिनेटर में टू मल्टीप्लाई फोर करेंगे तो न्यूमिनेटर में भी फोर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वन मल्टीप्लाई फोर इज़ फोर एंड एट अभी ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कन्वर्ट uh, हो गया तो अभी ये वन प्लस टू प्लस फोर डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग तो क्या करेंगे वन प्लस टू प्लस फोर इज सेवन अपॉन एट सो दिस इज द फाइनल आंसर सर Seven upon eight. This is the answer. Okay. I hope you learn very well. Thank you, children.